स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज आपके सामने प्लानिंग का सेकंड पार्ट लेके मैं आया हूं। सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके साथ साथ आप लोग सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आप और आपकी फैमिली, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अब मैं शुरुआत करता हूं प्लानिंग का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको लिमिटेशन बताई थी प्लानिंग की, आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आज एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है कि जब कोई प्लानर प्लान बनाता है तो प्लान के अकॉर्डिंग सारे वर्क होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग ऐसी आ जाती है जिस कारण हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उन्हीं में से एक पॉइंट है आपका नेचुरल क्लाइमेट्स। आपको नाम से कंफर्म हो रहा है कि नेचुरल क्लाइमेट्स क्या है। नेचुरल क्लाइमेट्स, आपने प्लानिंग बनाई, उस प्लानिंग के प्रोसेस पे आप चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग के टाइम पर हम लोग थोड़ा ये देखना भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी आ जाती है, जैसे रेनी डे में बारिश, अर्थक्वेक, फ्लड, बाढ़ आ जाना, ज्यादा बारिश का आ जाना, ज्यादा गर्मी का होना, ज्यादा सर्दी का होना, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे बिजनेस पे भी पड़ता है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है, रेनी डे आते हैं तो हमें रेनकोट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जब सर्दी आती है तो हम वूलन कपड़े की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और जब हम गर्मी के मौसम में आते हैं तो हमें कॉटन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेचुरल क्लाइमेट्स का भी इस पे पूरा पूरा इफेक्ट पड़ता है, जो कि हमारी प्लानिंग को कभी कभी एक लिमिटेशन के अंदर से कंट्रोल में नहीं आ पाता। तो ये सब चीजें हैं, ये नेचुरल क्लाइमेट्स, जैसा फ्लड का आ जाना, रेनी डे, अर्थक्वेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पहला पॉइंट था आपका एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग का। सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? इसमें मैनेजर जो हैं पूरी कोशिश करते हैं अपने पॉलिसी को यूज करने की, लेकिन हर साल आप देखते हैं कहीं ना कहीं 5 साल के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो पॉलिसी रेट, बैंक रेट, लोन रेट का इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है जिस कारण जो हमें पास्ट में जो बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब फ्यूचर में उसका बैंक रेट, पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमें इन सब चीजों को देखना पड़ेगा एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के अंदर। तीसरा पॉइंट है आपका स्ट्रेटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर्स। स्ट्रेटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर्स क्या है? आज आप देख रहे हैं हर जगह प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन है। हर बिजनेसमैन ही चाहता है, हर मैनेजमेंट चाहता है कि अकॉर्डिंग टू प्लानिंग वो अच्छा सक्सेस करे और अपने गोल को अचीव कर सके और अपने प्रॉफिट में डे बाय डे 30%, 20%, 40% आगे प्रॉफिट इंक्रीज करता रहे। लेकिन स्ट्रेटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर्स में कुछ कॉम्पिटिटर ऐसे होते हैं कि हमने प्लानिंग बनाई कुछ और, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, लेकिन हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को भी कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ जाता है। कैसे? कस्टमर की डिमांड क्या है, उसकी वांट्स क्या है, उसकी डिजायर क्या है, ये सब चीजें हम जो है इसके अंदर हमें देखनी पड़ती है। तो कस्टमर की वांट्स, डिजायर, इसके बेस पर ही हम अपनी स्ट्रेटेजी को अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ताकि हमारा प्रॉफिट जो हमने सोचा है वो इन फ्यूचर में कंप्लीट हो। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है। कैसे? न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में इन्वॉल्व हो रही है, और उन न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करने के लिए न्यू टेक्निक से रिलेटेड हमें एक एम्प्लॉयज की भी जरूरत पड़ती है, जो टाइम टू टाइम न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पर हमें और हमारी कंपनी को आगे लेके जा सके। क्योंकि नई मशीनरी आ रही है, पुराने वर्कर मशीन को चलाना जानते हैं या कुछ नहीं चलाना जानते हैं, लेकिन न्यू जो जनरेशन आ रही है, न्यू जो टेक्निक्स आ रही है, न्यू जो एजुकेशन आ रही है, उसके बेस पर जो आज हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको हम कहीं ना कहीं अपनी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग कर देते हैं, इसलिए कि वो टाइम टू टाइम
न्यू न्यू टूल्स, न्यू न्यू मशीन के बारे में नॉलेज देते रहें और जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज हमारी होती रहे। नेक्स्ट आपका चेंज इन फैशन टेस्ट एक्सेट्रा, चेंज इन फैशन टेस्ट। आप अपनी मार्केट में बैठे थे प्रोडक्ट को लेने लेकर कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल होगा, अब आप पुराने ही प्रोडक्शन को लेकर मार्केट में बैठे हुए हैं, लेकिन पता नहीं कब प्रोडक्शन के टाइम पर कि आपने प्रोडक्शन तो बनाया लेकिन कस्टमर की वांट्स क्या है, उसका फैशन, उसका टेस्ट कब चेंज हो जाए। कस्टमर का टेस्ट कभी भी चेंज हो सकता है, उसकी डिमांड कभी भी चेंज हो सकती है, फैशन कभी भी चेंज हो सकता है, तो हमें अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्शन को अपडेट होना होगा। जब हम अपडेट होंगे तो हम कस्टमर की टेस्ट, उसकी वांट्स, उसके फैशंस पर हम कमांड कर सकते हैं और इन फ्यूचर के लिए अपना प्रोडक्शन पहले से ही अवेलेबल कर सकते हैं ताकि कस्टमर तक हमारा प्रोडक्शन सेल होने के लिए पहुंच सके। तो ये आपके 6 पॉइंट थे, 5 पॉइंट एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के, ये आपको आगे बोर्ड में फायदे देंगे। वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मेरे बच्चे आप लोग आगे पढ़ाई में लॉस ना करें और आगे जो भी आपका फ्यूचर में प्लानिंग है, गेन है कि आपको अपना बोर्ड एग्जाम क्लियर करना है, तो जो मेरी थोड़ी सी जो हेल्प है आप लोगों तक पहुंच पा रही है उसको आप देखते रहिएगा। ओके, यस। तो हम बात करते हैं आगे स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस की। इससे पहले आपने देखा एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, एक प्लानर प्लानिंग जब करता है तो कौन कौन से स्टेप्स लेके चलता है, तो प्रोसेस में आएगा पहला पॉइंट आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, एवलेटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, नंबर 5 सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, नंबर 6 पे इंप्लीमेंट द प्लान एंड नंबर 7 फॉलो अप एक्शन। ये 7 पॉइंट हैं जो एक प्लानर प्लानिंग जब करता है तो प्रोसेस लेके चलता है, तो उसमें मेन मेन पॉइंट ये हैं। जैसे कि लिखा सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव में, सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर प्रॉफिट का 20% 30% आगे इंक्रीज करना कि अभी तक मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है और इन फ्यूचर मुझे अपने प्रॉफिट में 20% 30% 40% प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो एक प्लानर का, एक मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, एक मैनेजर का माइंड में पहला पॉइंट आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पहले से ही सेट कर लेना अपने माइंड में कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट गेन करना, अब तक जो प्रॉफिट हुआ उसमें और इंक्रीज करना, सेलिंग प्रोडक्ट इंक्रीज 20-30%। सेकेंड पॉइंट डेवलपिंग प्रेमिसेस, डेवलपिंग प्रेमिसेस यानी कि अजम्पशंस को इंक्रीज करना बाय मैनेजर, जो मैनेजमेंट मैनेजर जो अजम्पशंस को इंक्रीज करते हैं, अजम्पशंस लेके चलते हैं कि फ्यूचर में कैसे और अपने आप को इंक्रीज करना, प्रॉफिट गेन करना है, वही कहा जाएगा आपका प्रेमिसेस, अजम्पशंस को इसमें प्रेमिसेस कहा गया है। अपने प्रोडक्शन को, बैंक रेट, पॉलिसी रेट, प्रोडक्शन के अंदर चेंजिंग, क्वालिटी चेंजिंग, इंप्रूवमेंट डेवलप करना, ये सब प्रेमिसेस के अकॉर्डिंग आएगा, जो कि एक मैनेजमेंट अजम्पशंस लेके चलता है, वही आपके प्रेमिसेस होते हैं। नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव क्या है, आपने जो प्लानिंग बनाई है उसको आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन के बाद अल्टरनेटिव लेके चलना कि अभी तक जो भी प्रॉफिट हुआ और आगे कैसे प्रॉफिट लेके चलना है, तो उसके लिए पहले से अल्टरनेटिव लेके चलते हैं कि अभी तक हम इस प्रोडक्शन को इस तरीके से लॉन्च किया और आगे अब जो न्यू प्रोडक्शन लॉन्च करना है बाय टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर क्या अल्टरनेटिव लेके चलना है, कैसे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्शन को अच्छे से चूज कर सके, लाइक कर सके और उसको परचेज कर सके। तो आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में ये था,
नेक्स्ट आपका एवलेटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, एवलेटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, एवलेटिंग सी मीन्स कि जो भी क्वालिटी आप प्रोडक्शन मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं पहले उसको एवलेट करना, चेक करना कि हाँ जो प्रोडक्शन मार्केट में आ रहा है क्या वो सही है या उसके अंदर कुछ कमी है। आफ्टर देन चेकिंग के बाद आप उसको एवलेशन कर सकते हैं, एवलेट करने के बाद ही प्रोडक्शन मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं ताकि प्रोडक्शन मार्केट में अच्छे से सेल्स हो। ये सब मैं अपने पॉइंट अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं, बाकी बुक की लैंग्वेज तो आप पढ़ते ही। नेक्स्ट आपका सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव, बहुत सारे अल्टरनेटिव आप देख रहे हैं उसके अंदर आप सिलेक्ट करते हैं कि मुझे कौन से पॉइंट से कौन सी प्लानिंग इंक्रीज करते समय प्रोसेस के टाइम पर मुझे बेनिफिट होगा इन फ्यूचर, तो आप अल्टरनेटिव लेके चलते हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव जैसे मैं आपको बताए हैं, आइडेंटिफाई है, एवलेटिंग है, सिलेक्टिंग, तो आपको एक सिलेक्ट करना होता है। लेकिन मेन मोटो तो आपका यही रहेगा कि मुझे प्रॉफिट इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन सेल करना है, अपनी कंपनी को हाई लेवल पे लेके जाना है, तो इसके लिए आप सिलेक्ट करते हैं अपना खुद का अल्टरनेटिव कि मुझे इन फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा और अपनी कंपनी को कैसे हाई लेवल पे लेके जाऊंगा। नेक्स्ट नंबर सिक्स पर इम्प्लीमेंट द प्लान, जो आपने प्लान बनाया है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। आपने प्लान क्यों बनाया, प्लान बनाया आपने पास्ट में क्या हुआ, प्लानिंग बनाई प्रेजेंट में और फ्यूचर के लिए, तो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा अपने प्लान में। और इम्प्लीमेंट होगा तो आप पिछला प्रॉफिट को देखते हुए इन फ्यूचर के प्रॉफिट को देखते हुए अपने प्लानिंग को और इंक्रीज करेंगे, अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को इंक्रीज करेंगे, ताकि आप अपने प्लान को जो भी आपने बनाया उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आगे फ्यूचर के लिए और सक्सेस हो। नेक्स्ट आपका फॉलोअप एक्शन, फॉलोअप एक्शन, फॉलोअप एक्शन के अंदर जो भी आप रॉ मटेरियल वगैरह ले रहे हैं मार्केट से, पिछला रॉ मटेरियल और अब का जो रॉ मटेरियल है उसको चेक करना, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना कि मेरी कंपनी का जो प्रोडक्शन बना रहे हैं प्रोडक्शन इंचार्ज है, मार्केटिंग इंचार्ज वगैरह जितने भी हैं, फाइनेंस मैनेजर वगैरह हैं, वो कहां तक पहुंच रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्लान को और कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सारे पॉइंट हैं आपके स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस के, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्लानिंग से डिस्कस करते हुए कि आपकी भी कोई ना कोई प्लानिंग होगी इन फ्यूचर की। आप लोग रोज ही सुबह जागते हैं ये सोचते हैं कि मैं आज दिन पूरे दिन के अंदर ये काम करूंगा, लेकिन जब तक आप अपनी खुद की प्लानिंग नहीं बनाएंगे पढ़ने की, मुझे रोज पढ़ने में क्या करना है, कैसे अपने काम को लेकर चलना है, तो आप सक्सेस होंगे लेकिन कम हो पाएंगे। उसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे सपोज करो आप ही हैं या मैं हूं, जब रात को हम सोते हैं तो एक घड़ी में अलार्म लगा के सोते हैं, अलार्म लगा के सोते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है या मुझे 5 बजे उठना है और उठकर मुझे स्टडी करनी है। तो जब हम घड़ी में 5 बजे का या 4 बजे का अलार्म लगाते हैं और सुबह जब होती है तो वो अलार्म बजता है, और जब अलार्म बजता है तो आपको नींद ज्यादा आ रही होती है क्योंकि सुबह की नींद बड़ी बड़ा मुश्किल हो जाता है उठना, तो आप क्या करते हैं स्विच बटन होता है आपको स्विच कर देते हैं, क्यों कि मैं आधे घंटे बाद उठूंगा 10 मिनट बाद उठूंगा, फिर दोबारा अलार्म बजता है फिर आप उसको स्टॉप कर देते हैं, स्विच कर देते हैं, क्यों, ऐसी आपकी अपनी लाइफ के अंदर है। जब तक आप जागोगे नहीं तो रोकने वाले टोकने वाले आपको आगे बढ़ने वाले रोकेंगे टोकेंगे आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो आपको अपने सही अलार्म पर सही समय पर उठना होगा, जागना होगा और आपका जो फ्यूचर का जो प्लान है उसको इम्प्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ना होगा। घड़ी का स्विच बटन नहीं दबाना है, अलार्म को बंद नहीं करना है, अलार्म अगर लगा दिया तो आपको जागना होगा और ऐसी आपको अपनी लाइफ में जागना होगा और अपने फ्यूचर के प्लान प्रेजेंट डे में डे बाय डे आपको कंप्लीट करने होंगे, तभी आप जाके आगे सक्सेस हो सकते हैं। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं, लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है। और घड़ी का अलार्म लगाया है आपने तो उस समय आपको जागना होगा, यदि आपने स्विच कर दिया तो आप खुद स्विच हो जाएंगे, फिर आप 1-2 घंटे और पीछे हो जाएंगे लाइफ के अंदर। तो इसीलिए आगे बढ़ना है
अपने आप को पॉजिटिव लेकर चलना है और जो भी आपकी पेरेंट्स की इच्छाएं उनको पूरा करते हुए आपको अपना भविष्य आपको खुद को बनाना है। एक बार फिर आपको रक्षाबंधन और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, और ऐसे प्यार देते रहिए जो आप अभी तक देते रहे हैं, सब्सक्राइब करते रहे हैं, करते रहिएगा, ऐसे प्यार देते रहिएगा ताकि मैं भी आपके साथ आगे चलूं और आप भी अपनी नॉलेज को डे बाय डे इंप्रूवमेंट करते रहें। AVS कॉमर्स इज माय चैनल। ओके।